भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन ने शनिवार को जिला ऊना का दौरा कर भाजपा की जिला टीम के साथ बैठक की और पार्टी की गतिविधियों के बारे में फीडबैक लिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मनोहर शर्मा के अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में संजय टंडन ने भाजपाइयों को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए मिशन 2022 के लिए अभी से कमर कस लेने की अपील की। उन्होंने कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार ने ऐसी नीतियां लागू कर हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इन्हीं नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर भाजपा के मिशन रिपीट को कामयाब करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। संजय टंडन ने कहा, हिमाचल प्रदेश में अभी तक किसी सरकार के रिपीट न होने का मिथक इस बार भाजपा तोड़ने में कामयाब रहेगी। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा, कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ चुकी है और कांग्रेस के प्रदेश में अनेकों गुट बन चुके हैं। राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस एक परिवार के प्रति समर्पित पार्टी बनकर रह गई है। यही कारण है कि देश के हर राज्य से धीरे धीरे जनता का विश्वास कांग्रेस से उठता जा रहा है। हिमाचल में भी कांग्रेस की एक परिवार के प्रति निष्ठा और अनेकों गुटों में बंटना उसके ताबूत में अंतिम कील का काम करेगा। संजय टंडन ने कहा, प्रदेश भाजपा में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। भाजपा एक संगठित संगठन है जो पूरे दमखम के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगा। देखिए, राजनीतिक पार्टी जो होती है उसके अंदर एक व्यक्ति इधर खड़े होके काम करता है, दूसरा इधर खड़े होके काम करता है, तो मीडिया कह देता है जी गुट बना हुआ है। आप अपने परिवारों में भी देख लो, दो भाई भी वो अलग अलग काम करते हैं तो कहते हैं जी बनती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी अंदरूनी तौर के ऊपर एक परिवार की भांति काम करती है, जबकि कांग्रेस जो है वो परिवार के द्वारा काम करता है। हमारी पार्टी ही परिवार है, उनका परिवार ही पार्टी है। ये एक बुनियादी फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और ऐसी कोई गुटबाजी हमारे यहाँ पर नहीं है। सब लोग मिल बैठ के निर्णय करते हैं, सब लोग मिलके। अभी हमारी कार्यकारिणी हुई 3 दिन की, आपने देखा होगा, प्रदेश का हर कार्यकर्ता हर नेता वहाँ पे इकट्ठे मिलके, हमारी इंटरनल मीटिंग्स भी हो रही हैं, हमारी एक्सटर्नल मीटिंग्स भी हो रही, सब जगह सब लोग इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। और कहीं फिर भी कोई कमी रहे तो आप भी हमें बताते रहिए। ये जो मिथ्य है, हम सबसे पहले तो इस मिथ्य को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा इसके अंदर है कि जो केंद्र में सरकार आदरणीय मोदी जी की सरकार है, बहुत तेजी से विकास के कार्य कर रही है और सब जगह उनको एक हंगारा मिल रहा है। उसके साथ ही साथ आप जयराम जी की सरकार जो हिमाचल के अंदर, वो बहुत अच्छा काम कर रही है और हर दृष्टि से हर क्षेत्र के लोगों में, और क्षेत्र ही नहीं, हर तरह के व्यक्तियों के लिए वो कार्य कर रही है। तीसरा है कि कांग्रेस में टोटली एक लीडरशिप जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। मुझे लगता है कि इस बार ये जो मिथ्य था वो पूरी तरह धूमिल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इससे भी अधिक अपनी मेजॉरिटी के साथ अपना सरकार दोबारा से बनाएगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।